नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज संथाल प्रगना में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर दुमका से। जादव पटिया चित्रकला की खोज के लिए दुमका के डॉक्टर आर के नीरद को सम्मानित किया गया। जनजातीय जादव पटिया चित्रकला शैली और बैद्यनाथ पेंटिंग्स के अनुसंधान संरक्षण एवं संवर्धन के लिए केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता एवं झारखंड सरकार सांस्कृतिक कार्य निदेशालय ने दुमका के डॉक्टर आर के नीरद को यामिनी राय आदिवासी चित्रकला शुद्ध सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें रांची के अंबे हाउस में आयोजित समारोह में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी ने प्रदान किया। 26 जनवरी की परेड पर कोरोना का साया, बच्चे, बुजुर्ग और स्टूडेंट नहीं होंगे शामिल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड प्रशासन बेहद सख्ती के मूड में नजर आ रहा है। इस सख्ती का सीधा असर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले परेड पर भी पड़ा है। इस बार मोरहाबादी मैदान और दुमका में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में झांकी और परेड का नजारा बुजुर्ग और नाबालिग नहीं देख पाएंगे। प्रशासन ने 60 साल से अधिक और 18 साल से कम के लोगों को इस समारोह में शामिल होने की इजाजत नहीं दी है। इस बार कोरोना के कारण सिर्फ परेड और झांकी का प्रदर्शन होगा। पर गोड्डा से मेडिकल छात्रा को हजारों नम आंखों ने दी अंतिम विदाई। गोड्डा की होनहार बेटी तथा हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष MBBS की छात्रा डॉक्टर पूजा भारती का शव रामगढ़ जिले के पतरातु डैम से बुधवार को गोड्डा लाया गया। बीते मंगलवार को पूजा का शव पतरातु डैम में मिला था। पूजा की मां अर्चना कुमारी और पिता अवध बिहारी पूर्वे सहित अन्य स्वजन बेटी की लाश देखकर दहाल मारकर रोने लगे। पूजा ने बीते सोमवार को ही सुबह ही वीडियो कॉल पर अपनी मां से बात की थी। इसके बाद देर शाम को उसके कॉलेज हॉस्टल नहीं लौटने पर वार्डन ने स्वजनों को जानकारी दी। बर्तन दुकान लूटकांड का दूसरा आरोपी मुंगेर से हुआ गिरफ्तार। नगर थाना के शहर के पीरपैंती रोड में हटिया चौक के पास बीते 11 जनवरी की रात एक बर्तन दुकान में घुसकर लूटपाट और गोलीबारी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कांड का खुलासा कर दिया है। मामले में दूसरे आरोपी बिहार के मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर के श्यामपुर ओपी के बहिरगाल पूर गांव के गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शैम्पू सिर्फ उर्फ अभिनंदन सिंह का हवेली खड़गपुर में आपराधिक रिकॉर्ड है, जहां लूट, जानलेवा हमला व रंगदारी के 3 मुकदमे दर्ज है। मुखिया द्वारा गरीब और दिव्यांगों के बीच कंबल का किया गया वितरण। पोरिया हाट के हरियारी पंचायत में मुखिया श्रीमती मेरी हंसदा सह मुखिया प्रतिनिधि सुशील टूडू द्वारा सोहराय एवं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सोहराय और मकर संक्रांति का शुभकामनाएं देते हुए पंचायत के सभी गरीबों, लाचारों और दिव्यांगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सभी ने मुखिया को दुआ देते हुए कंबल लेकर घर चले गए। इस बार पोड़ियाहाट की निर्जन में नहीं लगेगा मेला। हर वर्ष की भांति इस बार भी पोड़ियाहाट के कटान गांव के बगल में निर्जन मेला नहीं लगेगा, क्योंकि सभी कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। पर निर्जन में डुबकी लगाने की होड़ लगी हुई थी, इसमें कोई कमी नहीं थी। देवघर से आसनसोल वाराणसी मेमू और देवघर रांची इंटरसिटी को जल्द चलाया जाए। आसनसोल वाराणसी मेमू और देवघर रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को यथाशीघ्र चलाया जाए। दूसरी नियमित ट्रेनों को भी चलाने की व्यवस्था की जाए। ट्रेनें नहीं चलने से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है, यह कहना था मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति सदस्यों का। मौका था DRM आशीष बंसल समेत तमाम अधिकारियों के साथ आयोजित समिति सदस्यों की बैठक का। ऑनलाइन हुई इस बैठक में न सिर्फ बंद ट्रेनों को चलाने की सिफारिश की गई, बल्कि नियमित ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चलाने और अधिक किराया लेने का भी विरोध किया गया। आधार कार्ड पर बनी फिल्म का ट्रेलर हुआ लॉन्च, जाने कब हो रही है फिल्म की रिलीज। आधार कार्ड पर बनी फिल्म के ट्रेलर की पहली लॉन्चिंग 13 जनवरी को हो गई। फिल्म आधार के प्रोड्यूसर देवघर के रहने वाले मनीष मुंदड़ा है। इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग मोहनपुर प्रखंड के विभिन्न गांव व त्रिकुट पहाड़ के आसपास हुई है। फिल्म की शूटिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर समेत देवघर शहर के कई हिस्से में भी की गई है। पूरी फिल्म गाँव पर आधारित है। जमीन कारोबारियों की सूची तैयार कर उन पर रखे पूर्ण नियंत्रण। जिले के सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में काम करने वाले जमीन कारोबारियों की सूची तैयार करने, उन पर पूर्ण नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है।
इन भू माफिया पर दबिश बनाए रखने व इन्हें नियमित तौर पर थाना बुलाकर पूछताछ करने को भी कहा गया है। एसपी कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने लंबित मामलों के निष्पादन, थाना क्षेत्र में सक्रिय शीर्ष अधिकारियों की सूची तैयार कर उन पर निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को अनुशासन में रहने, आम जनता के साथ बेहतर व्यवहार करने, थाना परिसर में साफ सफाई रखने, लाइट की समुचित व्यवस्था करने को भी कहा गया। खबर पाकुड़ से, पारा शिक्षकों ने फूका आंदोलन का विगुल। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का स्थानीयकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। संगठन के राज्य इकाई की ओर से आंदोलन के कार्यक्रमों की तिथि घोषित कर दी गई है। यह बात गोकुलपुर आम बागान में बुधवार को एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष चितरंजन भंडारी ने कही, 17 जनवरी को सभी सत्ता पक्ष के विधायकों का आवास घेराव किया जाएगा। पाकुड़ हिरणपुर लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभी पारा शिक्षक लिट्टीपाड़ा विधायक का आवास में वादा याद करो वादा निभाओ के तहत घेराव करेंगे। अस्थाई हो पंचायत स्वयं सेवकों की सेवा। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के निर्देश पर बुधवार को पंचायत स्वयं सेवकों ने महेशपुर विधायक प्रतिनिधि अब्दुल वदूद को 2 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रखंड अध्यक्ष वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि पंचायत स्वयं सेवकों का प्रोत्साहन राशि बंद कर उचित मानदेय देना चाहिए, स्वयं सेवकों की सेवा अस्थायी कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वयं सेवक पिछले 4 वर्षों से पंचायत स्तर पर राज्य और केंद्र सरकार के सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में महती भूमिका निभा रही है। अवैध कारोबार पर हाल में अंकुश लगाया जाए। अवैध कारोबार पर हाल में अंकुश लगाना है। थाने में लंबित मामले का निष्पादन करने में दिलचस्पी दिखाएं, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गश्ती जरूरी है। यह बातें बुधवार को एसडीपीओ कार्यालय में आयोजित बैठक में एसडीपीओ नवनीत हेमरम ने कही। पर जामताड़ा से, जामताड़ा नाम तो सुना ही होगा। 4वीं-5वीं फेल युवा देते हैं 100% ठगे जाने वाला धांसू आइडिया। जामताड़ा के साइबर अपराध ने देश भर में खलबली मचा दी है। यहाँ के ठग किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुलिस वाला हो या कोई नेता अभिनेता। 2020 में यहाँ के ठगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर से भी 23 लाख रुपए का ठग लिए थे। ठग ने खुद को बैंक मैनेजर बताकर उन्हें चपत लगाई थी। अमेरिका की एक एजेंसी यह रिसर्च करेगी कि हम पढ़े लिखे युवा फ्रॉड के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, वे ये तकनीक कहां से सीखते हैं, ये जानकारी उपलब्ध करेंगे। फिर सुर्खियों में है साइबर क्राइम हब जामताड़ा। झारखंड का जामताड़ा अपने साइबर अपराधियों के लिए देश भर में बदनाम है। हैरानी की बात यह है कि इससे चर्चे अब विदेशों तक हो रही है। देश में साइबर फ्रॉड का ज्यादातर मामले कहीं न कहीं जामताड़ा से जुड़े होते हैं। जामताड़ा के नाबालिग भी किसी पढ़े लिखे आईटी इंजीनियर से कम नहीं है। यहाँ के साइबर ठग अच्छे अच्छे को चुटकी बजाकर ठगी का शिकार बना लेते हैं और सामने वाले को भनक भी नहीं लगती है। पुलिस विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ साइबर क्राइम का पहला मामला 2013 में सामने आया था। तब से अब तक देश के कई राज्यों पुलिस यहाँ 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है। सोहराय पर मछली भात के साथ चला हड़िया चावल। जामताड़ा में आदिवासी समाज का प्रमुख पर्व सोहराय को लेकर बुधवार को कहीं मछली शिकार तो कहीं हाकू काटम रस्म तो कहीं बरद खूंटा का आयोजन किया गया। पारंपरिक नृत्य का दौर रात भर चला, फिर सुबह से लोग अनुष्ठान में जुट गए। सोहराय के तीसरे दिन मछली का शिकार हुआ। सोहराय में आदिवासियों की परंपरा है कि पर्व के तीसरे दिन मछली का शिकार कर घर लाया जाता है तथा उसे स्वजनों व रिश्तेदारों के बीच सामूहिक भोज उपयोग किया जाता है। मछली के अलावा हड़िया के साथ परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों ने आनंद लिया। गुरुवार को त्योहार के अंतिम दिन आदिवासी समूह विभिन्न जंगली क्षेत्र में भ्रमण कर शिकार करेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।